सर आज फ्लैग मार्च किया गया है, इसके बारे में? आज सीपी सर के निर्देशन में लखनऊ में वेस्ट जोन में हम लोगों ने मोबाइल फ्लैग मार्च किया है। इसमें हमारी मोटरसाइकिल से गाड़ियाँ, इसके अलावा जीप और ऑफिसर से गाड़ियाँ, सभी लोग मिल करके पूरी एरिया में यहाँ से रूमी गेट से स्टार्ट करते हुए ठाकुरगंज में बालागंज कैम्बेल रोड, फिर आगे ताल कटोरा में बाल तिराहा, वहाँ से ताल कटोरा होते हुए एवरेडी चौराहा, वहाँ से फिर नखास नाका अमीनाबाद और कैसरबाग होते हुए फिर से हम लोग ये पूरा राउंड लेते हुए इधर आए हैं। इसका मकसद एक ही था कि पब्लिक के मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि पुलिस त्यौहारों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के सन्नद्ध है, तैयार है, किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। आप सभी लोग अपने त्यौहारों को सुरक्षित होकर के, जो भी कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने त्यौहारों को आप लोग मनाएं। पुलिस आपके लिए 24 घंटे तैयार है, हम आपके लिए सुरक्षा के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हैं। इसी सुरक्षा की भावना को, कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया है। सरकार जैसे कि लॉकडाउन भी है और बकरीद का त्यौहार भी है, इसको लेकर क्या गाइडलाइन? गाइडलाइन सेम है कि जो भी आपको मालूम है कि इस समय त्यौहार के साथ साथ जो मुख्य चीज़ें हैं, इस समय जो कोरोना महामारी है वो इम्पॉर्टेंट हो गई है, ताकि किसी भी वजह से जो सामान्य जनता है वो कोरोना महामारी से बची रहे, कोई भी घर और परिवार इस महामारी से तबाह ना हो, परेशान ना हो। इस बात के लिए गाइडलाइन दी गई है कि आप लोग सामूहिक रूप से न इकट्ठा होकर के अपने त्यौहार को, अपने खुशी को व्यक्तिगत रूप से कम लोग मिलकर के मनाएं, ताकि किसी भी तरह से इस महामारी का प्रसार न हो सके, उसको रोका जा सके। ये गाइडलाइंस पहले से थी। 5 तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाना है अयोध्या में, और इंटेलिजेंस के द्वारा हाईलाइट भी किया गया है 5 से लेकर 15 अगस्त को, तो इसके द्वारा क्या तैयारी है? जो भी हमारी VIP विजिट को लेकर के तैयारियां हैं, इन सारी चीज़ों को पब्लिक के साथ बातचीत करके हम लोगों ने, इन्हीं त्यौहारों के क्रम में मीडिया से भी हम लोगों ने बातचीत की है, लोकल लोगों से भी बातचीत की है कि कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें भी अगर हमारे तक आती हैं, आपके तक आती हैं, तो तुरंत हमें सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसकी बृहद छानबीन करेंगे, ताकि किसी भी अवांछित घटना को होने से पहले उसे टाला जा सके। लखनऊ आगामी त्यौहार बकरीद रक्षाबंधन के दृष्टिगत पुराने लखनऊ बाइकों से किया गया मार्च। बकरीद और रक्षाबंधन में सुरक्षा को देखते हुए रूमी गेट से किया गया फ्लैग मार्च, जहां लोगों से अनुम सीमेंट द्वारा अपील की गई कि त्यौहारों को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं व सफाई का विशेष ध्यान रखें। सरकार की गाइडलाइंस दी गई है, उसी के आधार पर ईद मनाएं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाइल कायम करें, बाइकों से किया गया फ्लैग मार्च। रूमी गेट चौक चौराहा कोनेश्वर सतखंडा तहसीन गमनज बाल गमनज खिनी चौराहा पाल तिराहा मीना बेकरी एवर रेडी होता हुआ नाका गणेश गमनज अमीनाबाद केसरबाग चौराहा तक किया गया। इस फ्लैग मार्च में DCP चौक, ACP बाजार खाला, इंस्पेक्टर सार्थक मनज, इंस्पेक्टर चौक, इंस्पेक्टर बाजार खाला, इंस्पेक्टर ताल कटोरा, इंस्पेक्टर जीव मनज, इंस्पेक्टर कैसरबाग, इंस्पेक्टर नाका सहित पुलिस टीम रही मौजूद। बकार हुसैन की।